आतम से निकाला पैसा लेकिन अकाउंट से कट गया और हाथ में नहीं आया, तो ऐसे मिलेगा? आप में से अधिकतर लोग एटीएम का इस्तेमाल करते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालते हैं लेकिन खाते से पैसे तो कट जाते हैं और हाथ में पैसे मिलते नहीं। ऐसा आपके साथ भी कभी हो सकता है। ऐसे में हम घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात में आपको परेशान होने की नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इस बात लेकर निश्चिंत रहें कि आपका पैसा कहीं गया नहीं है। आपका पैसा आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि RBI के नियम के मुताबिक यदि आप अपने बैंक या किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो आपके पैसे जरूर वापस आएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। ATM से पैसे निकालते समय खाते से पैसे कट जाने और पैसे नहीं मिलने की स्थिति में सबसे पहला काम यह है कि आप संबंधित बैंक के किसी भी संबंधित बैंक में जाकर इसकी जानकारी दें। यदि बैंक बंद है तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फेल की शिकायत होने के बाद बैंक एक सप्ताह के अंदर आपके पैसे वापस करेगा या फिर फेल होने का कारण बताएगा, लेकिन इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप बैंक को ट्रांजेक्शन फेल होने की स्लिप दें, और स्लिप नहीं मिलने की स्थिति में बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए। यदि इस दौरान खाते में पैसा नहीं आता है तब आपको बैंक के ब्रांच में लिखित शिकायत करनी चाहिए। आपकी शिकायत के एक सप्ताह में आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक आपको रोज के 100 रुपए फाइन के रूप में देगा।